हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इंडियाज मोस्ट वांटेड फिल्म का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडियाज मोस्ट वांटेड डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने इसके पहले रेड और नो वन किल जैसी का जैसी ही फिल्में बनाई हैं। काफ़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं वो, और पेट्रियोटिक फिल्में उनकी खास तौर पे अच्छी रहती है, जैसे नो वन किल जैसी का हो गया, रेड हो गया, इस तरह से जो सोल्जर्स या फिर जो पुलिस अफसर के ऊपर डिपेंड रहती है, ऐसी फिल्में वो ज़्यादातर बनाते हैं और बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। इस फिल्म की स्टारकास्ट है अर्जुन कपूर और राजेश शर्मा, जो कि काफ़ी उम्दा एक्टर लग रहे हैं इस फिल्म में। अर्जुन कपूर की थोड़ी बहुत एक्टिंग अच्छी है इस फिल्म में, एज़ कम्पेयर टू गुंडे के हिसाब से देखी जाए तो थोड़ी अच्छी है एक्टिंग, और एक्सप्रेशन उनके आते नहीं है क्योंकि उनका ऑलरेडी पोकर फेस है, तो एक्सप्रेशन काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसके एक्सप्रेशन कम है, ये है वो है, बट उनका पोकर फेस है तो वो ज़्यादातर एक्सप्रेशन दे नहीं पाते हैं। जहाँ पे देना पड़ता है, सेंस करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, वहाँ पे वो ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे पाते। ये एक ड्रॉबैक है उनके एक्टिंग का। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है हमें, जैसे नेपाल की वादियाँ है, नेपाल के जो ड्रोन शॉट्स है, जो सिनेमाटोग्राफी है वो अच्छी दिखाई गई है, और भी बहुत सारे शॉट्स दिखा सकते थे, बट फिल्म कट टू कट फास्ट चली जाती है। एक इंसिडेंट के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सारी चीज़ें हमारे सामने फटाफट रखी जाती है, तो इस वजह से हमें वो चीज़ें सारी डिटेल में देखने को नहीं मिलती है। एक शॉट हो गया, तुरंत दूसरा शॉट आता है, तुरंत तीसरा शॉट आता है, ऐसे तुरंत भागती रहती है फिल्म। और काफ़ी अच्छा डायरेक्शन है, राजकुमार गुप्ता ने पहले भी ये साबित किया है कि वो अच्छे डायरेक्टर है, और इस फिल्म से भी वो साबित करते हैं। यासीन भटकल जो को जो पकड़ा था 2013 में नेपाल बॉर्डर के पास, उससे ही ये इंस्पायर्ड एक स्टोरी है, जो कि हमारे इंडियन सोल्जर या फिर इंडियन कुछ अनसंग हीरोज है जो कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे ही हीरोज़ की ये कहानी है और इंस्पिरेशनल कहानी है। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, और स्टोरी एकदम सिंपल है। एक इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसको ओसामा बताया गया है, उसको पकड़ने जाना है, बट उसको उन लोगों को गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती है, और फिर वो कैसे खुद के बलबूते पे सारी चीज़ें करते हैं और उस टेररिस्ट को पकड़ के लाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने मिलेगी, और खास करके आपको बहुत सारे इंटेंस सीन देखने मिलेंगे, जैसे कि सीरियल बॉम्बलास भी इसमें देखने मिलेंगे। पुणे से स्टार्ट होता है, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, ऐसे जगह पे बॉम्बलास भी दिखाए गए हैं 2007 से लेके 2013 तक। तो ये सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में, और अगर आपको पेट्रियोटिक फिल्में पसंद है, ऐसे कुछ चीज़ें देखना पसंद है, तो डेफिनेटली मस्ट वॉच। बट आपको ऐसी फिल्में ज़्यादा देखना पसंद नहीं है, कभी कभार देख ली, जैसे एक बार उड़ी देख ली, बस अभी मन भर गया, अभी ऐसी कोई अलग फिल्म देखनी है तो ठीक है, बट आपको नहीं देखनी है ऐसी फिल्म तो इट्स ओके, आप मत जाओ इस फिल्म को, क्योंकि कंटिन्यू बॉलीवुड ऐसी फिल्में बना रहा है। एक तो रियल लाइफ इंसिडेंट बना देता है, या फिर कहीं से उठा के ला के छाप देता है, यही चल रहा है बॉलीवुड में, उससे ज़्यादा तो कुछ अलग हो नहीं रहा है। बट मूवी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा फिल्म, मैंने एंजॉय किया। हाँ, कहीं पे बहुत सारे लूपहोल्स है, जैसे एकदम फटाफट भागते रहती है तो हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, टाइम लगता है थोड़ा समझने के लिए, बट इट्स डेफिनेटली मस्ट वॉच फिल्म है, और मैं दूंगा इस फिल्म को आउट ऑफ 5 3.5 स्टार, यानी 3.5 स्टार। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को, और मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा।